नमस्कार दोस्तों, फिश एंड पर चैनल की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मागुर मछली के ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। किस तरह से इस मागुर मछली को ब्रीडिंग कराया जाता है, पूरा प्रोसेस जो है वो दिखाने वाला हूँ। मागुर मछली ब्रीडिंग कराने के लिए सबसे पहला काम होता है मागुर मछली को सिलेक्शन। मेल और फीमेल दोनों मछली को सिलेक्शन कर लिया जाता है। इसके बाद इसको 15 से 16 घंटा के लिए कंडीशनिंग प्रोसेस में रख दिया जाता है। अच्छे से कंडीशनिंग हो जाने के बाद इस मछली को डोज दिया जाता है, हार्मोन इंजेक्शन लगाया जाता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग इंजेक्शन मिलता है, जो जिस तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन यूज़ करने के लगभग 8 से 10 घंटा बाद ये मछलियाँ अंडा रिलीज करने के लिए तैयार हो जाती है। इस दौरान मछली को उठा के चेक करना होता है। जो जो मछलियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी है एग्स रिलीज करने के लिए, उसको इस तरह से सिलेक्शन किया जाता है। पेट में हल्का दबाने से जो मछली का पेट से अंडा ईजी तरीके से निकल जाती है, उसी तरह का मछली को लिया जाता है। नहीं तो जो टाइट या सख्त है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का पेट में दबाने से इसका अंडा जो है बिल्कुल ही रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी और फ्री तरीके से स्टार्ट हो जाती है। उसी तरह का मछली को सबसे पहले सिलेक्शन कर लेना होगा। इसके बाद इसको स्टीफिंग किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिखाया, नेचुरल ब्रीडिंग भी होता है, लेकिन मागुर मछली का जो ब्रीडिंग है बहुत नेचुरल तरीके से नहीं होती हो पाती है, क्योंकि ये मछलियाँ नेचुरल ब्रीडिंग करती ही नहीं है। इसको हमेशा स्टीफिंग किया जाता है। इसका भी एक रेशियो है, 1:2 का रेशियो है, यानी आप एक फीमेल मेल मछली के लिए 2 फीमेल मछली का अंडा को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे स्टीफिंग करने का जो तरीका है वो आप देख पा रहे हैं। इस तरह से पेट में दबाने से इसका अंडा जो है वो बिल्कुल ही रिलीज हो जाती है। धीरे धीरे करके आपको इस सारे अंडे को रिलीज करा लेना है। एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, आप अगर सही मछली को सिलेक्शन नहीं करते हैं, मछली का पेट में अंडा सही जो अंडा वाला मछली है उसको सिलेक्शन नहीं करते हैं, तो इसका फर्टिलाइजेशन ख़राब होता है, क्योंकि अंडा अनमेच्योर्ड होने के वजह से कई बार सफ़ेद कलर का अंडा जो है निकलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, कोई सफ़ेद कलर का अंडा नहीं है, थोड़ा लाल और पीला कलर का अंडा है, तो यही अच्छा अंडा है और ये अंडा फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ये बिल्कुल ही सफ़ेद निकलता है, एकदम वाइट कलर में निकलता है, तो वो जो अंडा है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता। जब फीमेल मछली का अंडा लिया जाता है तब साथ साथ मेल मछली का स्पर्म को निकाला जाता है। इसमें इसका तरकीबें जो है बिल्कुल ही अलग होता है। मेल मछली का को जो स्पर्म है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है, जिसके वजह से इसको पेट काट कर ही इसका मेल को निकालना होता है। आप देख रहे हैं बीचों बीच इस तरह से ब्लेड से आप काट सकते हैं और दोनों साइड में सफ़ेद कलर का जो स्पर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से पाउच में आता है और इसी तरह से निकाला जाता है। बहुत आसान सा तरीका, उतना झमेला नहीं है, लेकिन मेल मछली का स्पर्म निकालना के बाद अब बहुत ज़्यादा समय तक आप इसको नहीं रख सकते हैं, तुरंत ही इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देना होगा। 10 से 15 सेकंड समय रहता है इसी बीच इस प्रोसेस को करना होगा। थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता है तो इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और साइड में देखिए, इस जो इसमें जो वाटर रखा हुआ है ये असल में सेलाइन वाटर है। इसको मेल का स्पर्म को वॉश करने के लिए रखा गया है। साइड में जो नेट देख रहे हैं, इसमें हम लोग मेल को रखते हैं, फिर इसको वॉश कर लेते हैं सेलाइन वाटर में। इसके बाद हम दबा देंगे इस नेट को, थोड़ा उंगली से प्रेशर लगाने से क्या होगा, इसका जो मेल रखा हुआ है यानी स्पर्म रखा हुआ है नेट के अंदर, नेट का खराबन के वजह से ये टूट जाएगा और बहुत आसानी से लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। और फिर हम लोग इसको फीमेल का जो अंडा है उसको साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा और ये जो प्रोसेस है बहुत ही जल्द से जल्द आपको करना होगा। जितना जल्द आप कर पाएंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो इसका रिजल्ट और भी ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे किसान भाई इस चीज़ को कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समय लगा देते हैं, जिसके वजह से मछली का अंडा जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। अंडा लेने के बाद भी बच्चा नहीं हो पाता है। तो आपको जो चीज़ करना है, बहुत ही जल्द से जल्द ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। अंडा लेना, मेल का स्पर्म निकालना, इसको मिक्स करना, 10 से 15 सेकेंड के 30 सेकेंड के अंदर ही आपको सारा काम को जो है वो निपटा देना होगा, तभी जाके इसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, मछली को नेचुरल तरीके से ब्रीडिंग कराना चाहते हैं। दोस्तों, आप मागुर मछली को नेचुरल तरीके से ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। और एक चीज़ देखते होंगे, मागुर मछली का जो प्राइस है
वो दूसरा मछली से थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप स्पॉन खरीदें या फिंगर लाइन मछलियाँ खरीदें, इसका प्राइस थोड़ा हाई रहता है। हाई रहने का भी कुछ कारण है, जैसे कि आप देखे थे मेल मछली को काट दिया जाता है। एक हैचरी वालों साल भर मछली को पालते हैं, पोसते हैं, जब ब्रीडिंग कराने का समय आता है तो इसका मेल को काट देते हैं और दोबारा ये मेल इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये मछलियाँ मर जाती है, जिसके वजह से हैचरी वालों को काफ़ी नुकसान होता है और थोड़ा हाई प्राइस में इस मछली को नहीं बेचेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसी वजह से इस मछली का प्राइस थोड़ा हाई हो जाता है और प्रोसेसिंग में भी काफ़ी झमेला है। फर्टिलाइजेशन बहुत ही कम होता है, इतना जल्द से जल्द प्रोसेस को करना होता है और इस दौरान कई बार अच्छा क्वालिटी रिजल्ट मिलता भी है, कई बार थोड़ा गड़बड़ी हो जाने के बाद पूरा लॉट जो है वो ख़राब होने का भी खतरा रहता है। तो कैसे ये सारा प्रोसेस करने के बाद अंडा को अच्छे से क्लीन करना होता है, आप देख ही रहे हैं किस तरह से क्लीन किया जाता है। दूसरा मछली का अंडा को घुमाना पड़ता है, घुमाने की वजह से अंडा फुलकर थोड़ा बड़ी भी हो जाती है और ये मागुर या सिंगी मछली का जो अंडा है वो पानी के साथ घुमाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि इसका अंडा फूलता नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ क्लीन करने का ज़रूरत होता है। जितना अच्छा से आप इस अंडे को क्लीन करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लीन होना हो जाने के बाद इसको टैंक की तली में फैला देना होता है। दोस्तों ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो हो जाने के बाद इसको टैंक की तली में फैला देना होगा। टैंक की तली में फैलाने के लिए आपका जो वाटर बॉडी का लेवल है वो 6 से 8 इंच साइज़ में होना चाहिए, इसके ऊपर की लेवल नहीं होना चाहिए। 6 से 8 इंच साइज़ में पानी का जो लेयर है उसको रखेंगे तो पानी में ऑक्सीजन भी अच्छा तरीके से जा पाएगी और इसके साथ साथ थोड़ा धूप भी तली में जा पाएगा, जिसके वजह से इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो ये लेबल जो देख रहे हैं आप देख ही पा रहे हैं, 5 से 6 इंच साइज़ का लेबल है, इसी लेबल पे ही आपको रखना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं रखना है। और एक चीज़ बताने की बात ये है कि पानी का जो लेबल मैंने बताया वो तो बता दिया, लेकिन आपका हचरी का पानी में अगर आयरन वाटर है तो आप इस तरह का मछली को ब्रीडिंग कराने का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आयरन वाटर में इस मछली का रिज़ल्ट जो है बहुत ही ख़राब आता है, घटिया आता है, कई बार बच्चा होता भी नहीं है। तो आयरन वाटर बहुत ही ख़तरनाक है ये मागुर, सिंगी, पबदा इस तरह का मछली को ब्रीडिंग कराने के लिए। इस अंडे को तली में फैला देने का भी एक तरीका है, जितना पतला होगा उतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आप हमेशा कोशिश करें एक अंडे के साथ दूसरा अंडा जो है वो चिपक ना जाए या एक अंडे के ऊपर दूसरा अंडा ना आ जाए, इसीलिए पतला करके चारों तरफ से इसको फैला देना होगा। और हाथ में एक पंख आप देख रहे हैं, इसी के मदद से भी इसको फैलाया जाता है। कई बार क्या होता है अंडा एक दूसरे के ऊपर चिपक जाता है, बैठ जाता है, तो हल्का तरीके से इसको पंख से अगर हम लोग हिला देते हैं तो फैल जाती है। और यहाँ पे तली पे देखिए एक अंडा दूसरे अंडे से काफ़ी दूर दूर है, इसी तरह से आपको पतला तरीके से रखना है। अंडे को फैला देने के बाद वो ऊपर से शावर का व्यवस्था करना होगा, आपको 24 घंटा पानी देना होगा। हमेशा कोशिश करें पानी का बहाव ज़्यादा ना हो, अंडा जो है वो पानी का स्पीड की वजह से हिल ना पाए, इस अंडा जहाँ पे बैठा है वहीं पे बैठा रहे तो ही अच्छा होगा। और ऊपर से पानी जाता रहेगा, देते जाना है और एक साइड से, ये तो टैंक में प्रोसेस होता ही है, पानी निकल जाता है, जिसके वजह से पानी भी साफ रहेगा और पानी में लगातार ऑक्सीजन आता रहेगा और अंडा में ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा, जिसके वजह से इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अच्छा। ये पानी देना और निकलने के दौरान आपको ध्यान देना होगा पानी हमेशा क्लीन रहे, पानी में किसी तरह का छाली ना गिरे, किसी तरह का बुलबुला ना बने। अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है पानी में तो आप समझ जाना आपका जो टैंक में का पानी है उसमें ऑक्सीजन का कमी है, और अगर ऑक्सीजन का कमी हो गया तो फर्टिलाइजेशन जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। इस दौरान इस तकनीक को इस्तेमाल करते रहना है और 24 घंटा बाद जो है इसमें से बच्चा होकर निकल जाएगा। और आप ऊपर से देख ही रहे हैं पानी कैसे गिर रहा है, इसी तरह से पानी देते रहना होगा। और यहाँ पर बच्चा लगभग हो चुका है और हैचिंग हो भी चुका है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला है हमें। तो इसी तकनीक का आप इस्तेमाल करके बहुत आसानी से मागुर मछली को ब्रीडिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो तकनीक था मैंने आपको बता दिया, अगर सब कुछ सही रहा तो आपका मछली भी इस तरह से अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छा फर्टिलाइजेशन होगा, अच्छा अंडा भी होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।